Okay. So very good afternoon to all my dear friends. All my virtual students also, very good afternoon to you all. Please communicate the message to your friends that I am now live. We'll just wait for a minute and then we'll start the class. I'm good, thank you so much. How are you all? Good afternoon, everyone. Good afternoon. Adarsh, why are you crying? Let's wait for a minute and then we'll start the class. Till that time, I'll just remove the PPTs and everything. Thank you, Rajiv. इफ यू ऑल बिलोंग टू पुणे यू कैन कम इन द क्लास मैं क्लास से ही पढ़ा रही हूं अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं है, मैम फेस टू फेस शुरू हो गया है क्या नहीं फेस टू फेस शुरू नहीं हुआ है बट इफ यू विश टू यू कैन कम डाउन टू द क्लास हर्षद सर का आज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था क्या एंड दैट इज़ वाई क्लास डिंट हैपन मैं ब्लर हो रही हूँ क्या बच्चे बोल रहे चेक कर दो नो आई डोंट थिंक सो आई एम ब्लर ठीक लग रहा है ना ब्लर नहीं है आपके साइड का इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन हाँ ब्लर आ रहा है क्या हो रहा है क्या यहाँ पे मेरे को ठीक लग रहा है बट ठीक है ना अभी ओके okay, चलो लेट्स बिगिन देन ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स कल हमने कंपनीज एक्ट 2013 की कुछ छोटी छोटी चीजें देखी थी जैसे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू ऑल to be involved in the revision process and answer along with me okay bata mujhe company kaisi honi chahiye claps ke log taaliyan bajaye claps c is for common seal aaj ke zamane mein common seal mandatory hai ya optional hai Optional है तो अगर कंपनी के पास seal है तो क्या बात है अगर ना भी है तो भी क्या चलेगा Yes. L is for what? Limited Liability. L किस चीज के लिए बताइए तो लिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बट वट एवर इट इज इट इज गोइंग टू बी लिमिटेड कुछ होगी अमाउंट से मतलब गारंटी कंपनी कुछ होगी द डिफरेंशियल अमाउंट बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द अप अमाउंट ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैटेगरी ऑफ कंपनी यू आर आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अमाउंट में डिफर फ्रॉम केस टू केस बट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड एज फॉर आर्टिफिशियल पर्सन आज के जमाने में कंपनी आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है सो बेसिकली so क्या कंपनी एग्जिस्ट करती है कानून की आंखों से देखो आपको यह कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगी इट इज नॉट फिक्टिशियस, इट इज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल बिकॉज इट नॉट हैव अ नेचुरल बर्थ एंड इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस बाय लॉ साथ साथ में पीस फॉर वॉट परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन मींस कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस मेंबर्स आए गए मेंबर्स जाएंगे बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक युगो युगो तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा एंड द लास्ट पॉइंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट अ सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी अलग मेंबर्स अलग कंपनी अलग डायरेक्टर्स अलग और इसी चीज को समझाने के लिए कल हमने एक बहुत फेमस केस लॉ भी किया था क्या आप लोगों को लॉ का नाम याद है बताए सैलुमिन वर्सेस सैलुमिन एंड कंपनी लिमिटेड वापस से बताइए तो केस लॉ का नाम सेलमिन वर्सेस सैलुमेन एंड कंपनी लिमिटेड केस देखो एग्जामिनेशन में आप सिर्फ क्या करोगे इस लॉ का नाम लिखते हो इन द रेफरेंस केस में क्या हुआ था वो सारे डिटेल्स आपको एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है सो वॉट यू ओनली हैव टू रिमेंबर इज द नेम ऑफ द केस लॉ इसलिए मैं बार बार आपको पूछ रही हूं और एक बार आखिरी बार मेरे लिए बताइए क्या है ये केस लॉ का नाम सेलमिन वर्सेस सैलमिन एंड कंपनी लिमिटेड केस तो लास्ट टाइम पांचों भी फीचर्स एक साथ आप लोग मुझे बताइए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी के मी क्लैप सीस और एल इशर एसर पी एस इशर सेपरेट लीगल एंटिटी ओके वेरी गुड अब देखो कल मेरा रीड करना बच गया था बिकॉज वी डिड नॉट हैव सफिशियंट टाइम इनफैक्ट कल मैंने काफी एक घंटा बीस मिनट के आसपास लिया था एंड थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग सो आई वॉज नॉट एबल टू रीड द कंटेंट दैट आई हैड टॉट यू ऑल येस्टे इसलिए पहले कल जो कुछ भी मैंने सिखाया उसे रीड करूंगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सो राइट नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 173 जो लोगों के पास बुक्स नहीं है यू ऑल कैन डू इज कैन रेफर द स्क्रीन ओके ऑल कैन रेफर द स्क्रीन अदरवाइज वॉट यूल कैन डू इज योल ऑल्सो हैव योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल आईसीआई के जो मॉड्यूल है उसी से मैंने क्या क्या है अपनी बुक्स को बनाया है सो इट्स द सेम यू ऑल कैन इट्सो रिफर दूट मॉड्यूल इफ यू फील के सॉफ्ट कॉफी से मजा नहीं आ रहा है वो सैटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो यू ऑल कैन यूज द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल ओके आ जाइए फर्स्ट फीचर ओके फर्स्ट फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी तो देखो ये पॉइंट यहां पे वही कहता है दैट Every company has a separate status. Separate status from whom? Separate status from its members and from its directors. So they Its existence, its matabkiska company ka existence is distinct and separate from that of its members. Company of kutke nampe assets. Hai. Liabilities in karkasakti. कंपनी अपने खुद के नाम पे किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता है इन द नेम ऑफ द कंपनी सो बेसिकली नाव आप देखो ना कानून के हिसाब से नाव कंपनी इज अ पर्सन हाँ, सिर्फ ये एक डिफरेंस है हम लोग नेचुरल पर्सन है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट इट इज रिक्नाइज एज अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ तो जैसे आप और मैं अपने लिए एसेट्स खरीद सकते हैं लाइबिलिटीज इनकर कर, कर, आ, कर सकते हैं किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं कोई हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है वैसे सेम टू सेम सारी चीजें हो रही है इवन अगेंस्ट अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो वही पे आगे देखो लिखा हुआ है दस अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी मतलब इट कैन हैव एसेट्स और इट मे हैव अ बैंक अकाउंट इट मे रेज लोन्स मतलब इट कैन बेसिकली इनकर लाइबिलिटीज ओके और इनकर अदर लाइबिलिटीज एंड एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम अपने खुद के नाम पे ये सारी चीजें कंपनी कर सकती है इट इज एट लॉ अ पर्सन

May become the shareholders, may become the directors, may not become the shareholders, may not become the directors. उनकी उनकी बने बने, नहीं नहीं but whatever it is, a company is different from promoters, company is different from directors, and company is different from its members. Okay? ये देखो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए अ कंपनी इज केपेबल ऑफ ओइंग इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम ओके सो बेसिकली एवरी कंपनी हैज सेपरेट स्टेटस फ्रॉम इट्स मेंबर्स डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स सेकेंड पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन ओके मेंबर्स में डाई और चेंज मैंने कहा ना आपको मेंबर्स आए गए मेंबर्स जाएंगे बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरीशिप केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटी की डेथ हो गई क्या सोल प्रोप्राइटरीशिप का बिजनेस भी बंद हो जाएगा दो ही पार्टनर्स है एक पर्सन की डेथ हो गई तब ऐसे केस में क्या पार्टनरशिप भी डिसॉल्व करना पड़ेगा बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट फीचर दैट अ कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स दैट इज वाई मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी स्टेटस विल रिमेन एज इट इज द शेयर ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड इन फाइनाइटली बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी

पांच है प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग लगते हैं दो यहां पे कितने लोग हैं पांच है चलेगा क्या हाँ एंड दे हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी कंपनी दे आर आर द द मेंबर्स ऑफ एंड ऑल फाइव आल्सो द डायरेक्टर्स ठीक है company, अब देखो क्या हुआ वन डे ऐसे ही मौसम में बारिश के मौसम में ऑल फाइव मेंबर्स दे वेंट फ्रॉम पुणे टू महाबलेश्वर फॉर अ शॉर्ट ट्रिप ओके अनफॉर्चुनेटली घाट के सेक्शन में कार मेट विथ एन एक्सीडेंट और पांचों की भी डेथ हो गई शांत हो गए, गए। पांचों भी मेंबर्स की डेथ हो गई ऑल द फाइव मेंबर्स पास्ट अवे द डाइड अब आप मुझे बताओ पांचों भी मेंबर्स की डेथ हो गई क्या कंपनी भी डिजोल्व करनी पड़ेगी yeah. कंपनी डिजोल्व नहीं करनी पड़ेगी सारे के सारे पांच मेंबर्स की डेथ हो गई फिर भी कंपनी डिजोल्व नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि कंपनी अलग और मेंबर्स अलग तो क्या होगा फिर ऐसे केस में हां तो कौन दूसरा आएगा तो देखो जैसे कि यस वेरी गुड जैसे कि से फॉर एग्जांपल पापा की डेथ हो गई से पापा थे मिस्टर एक्स तो अब पापा का जो बेटा है लीगल है या कभी कभार शेयर्स पे नॉमिनेशन किया जाता है ओके okay? सो so अब ऐसे केस में अगर नॉमिनेशन किया है तो नॉमिनी के शेयर्स हो जाएंगे अगर नॉमिनेशन नहीं किया है तो उनके जो सक्सेसर्स हो गए उनके ऑटोमैटिकली शेयर्स उनके नाम पे हो जाता है so, अब जहां पापा पहले मेंबर थे, अब ऑटोमेटिकली बेटा इस कंपनी का मेंबर हो जाएगा सो दिस विल नेवर हैपन दैट द कंपनी इज विदाउट मेंबर्स एक मेंबर की डेथ हो गई उसकी जगह कोई और ले लेगा उसकी जगह कोई और ले लेगा सो बेसिकली कंपनी इज डिफरेंट एंड इट्स मेंबर्स are different and the moment the father died automatically by operation of law, the shares get transmitted in the name of the nominee. If nominee is not, the nomination is not done in the name of the legal heir. So this will never happen that the company is without any members. So thus nothing is going to happen to the company. It has its own perpetual succession next, limited liability. so now, dekho, the liability of the members, the liability of the members, the liability of the members is limited to the extent of the nominal value of the shares held by them, nominal value, matlab face value, nominal value, matlab kya face value, kalka example, apko yewala yadeyani, This ye example, यही जो फेस वैल्यू है रूपीज टेन कभी कभार उसको कहते हैं एज द नॉमिनल वैल्यू अगर आपकी गारंटी कंपनी है आज ही हम लोग सीखने वाले हैं गारंटी कंपनी आई टोल्ड यू ना डिफरेंट कैटेगरी के कंपनी के हिसाब से मेंबर्स की लाइबिलिटी कुछ अमाउंट तक लिमिटेड होती है वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज द लाइबिलिटी इज लिमिटेड गारंटी कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू एन अमाउंट दैट दे हैव गारंटीड जो मेमोरेंडम में लिखा होता है आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और एक कैटेगरी होती है अनलिमिटेड कंपनी की जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बट वैसे तो यहां पे लिखा है मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बट इट इज नॉट एक्चुअली अनलिमिटेड इट इज लिमिटेड इन अ सर्टेन एक्सटेंट विच एक्सटेंट आई विल टेल यू तो अगर कुछ डाउट आ भी रहा है

लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इट कैन सी इन इट्स ओन नेम एंड इट कैन बी सीड इन इट्स ओन नेम और एक लास्ट पॉइंट है जो बात करता है कॉमन सील के बारे में सो द कॉमन सील इज नथिंग बट इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी आज के जमाने में द कॉमन सील इज ऑप्शनल इट इज मेड ऑप्शनल

आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं विथ द एक्चुअल एक्ट दैट इज स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर वन एंड इट इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट आ जाइए सो आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट सो बेसिकली फर्स्ट दो सेक्शन तो सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप्स ही थे आज से हम लोग एक्चुअली एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हाँ और आज आप लोगों का एक होमवर्क भी है आप लोगों को क्या करना होगा ये जो फीचर्स है ऑफ अ कंपनी कल मैं नहीं दे पाई थी बिकॉज आई डिड नॉट रीड द कंटेंट टूडे यू ऑल हैव अ होमवर्क एंड वॉट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फीचर्स ऑफ अ कंपनी तो से फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने क्या किया है आपको चार मार्क का एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा है वॉट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी तो ये चार मार्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये पांचों भी पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा शायद से यहां पे फिफ्थ पॉइंट मिसिंग है क्या कॉमन सील ये पांचों भी पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे अलोंग विथ एक्सप्लेनेशन बिकॉज इफ इट इज अ फोर मार्क्स क्वेश्चन यू ऑल्सो हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन दो दो तीन तीन सेंटेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द एक्सप्लेनेशन तो ही आपको फुल फोर मार्क्स मिलेंगे ओके सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क फॉर टुडे यू आर सपोज टू राइट डाउन द फीचर्स ऑफ अ कंपनी यू शुड बी कवरिंग ऑल द फाइव पॉइंट्स मतलब क्लैप्स अलोंग विथ एक्सप्लेनेशन

कोशिश करोगे, ठीक है ओके आ जाइए हर एक Act का सबसे पहला सेक्शन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और ये कब कब अप्लाई करेगा एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो कानून है कौन सा वाला कानून कंपनी दो हजार ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और कब कब अप्लाई करेगा तो अगर मैं ज्योग्रफिकल एप्लीकेबिलिटी देखती हूं ज्योग्रफिकल एप्लीकेबिलिटी एवरी एक्ट इन टूडेज डेट एवरी सेंट्रल एक्ट इन टूडेज डेट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया आप लोग जानते हो अब भारत संविधान का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हट चुका है नाउ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट अ स्पेशल स्टेटस तो जैसे राजस्थान है केरला है महाराष्ट्र है गुजरात है वैसे ही हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी है नो स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर एवरी सेंट्रल एक्ट इज नाउ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया ये जो है होल ऑफ इंडिया इट इज द जोग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट बट अब इंडिया में किन किन लोगों को यह एक्ट एप्लीकेबल है अगर सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है क्या आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा नहीं आपका बिजनेस इंडिया में ही है अग्रीड इट इज इन इंडिया बट क्या आप कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे नो इवन इफ योर बिजनेस इज इन इंडिया इंडिया में किन किन लोगों को कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता है ओके सुनाव In India, Companies Act will be applicable to every company which is incorporated under this Act. This Act means which Act? Companies Act 2013. Whether you are incorporated under this Act or under any previous company law. नाउ दिस एक्ट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू यू कल मैंने प्रीवियस कंपनी लॉ के लिए एक एग्जाम्पल दिया था क्या आप बता सकते हो कौन सा एग्जाम्पल दिया था वेरी गुड रिलायंस पावर लिमिटेड रिलायंस पावर लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर टू थाउजेंड एंड एट इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स विच वॉज अ प्रीवियस कंपनी लॉ इट ज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 बट उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या इस कंपनी को भी ये वाला कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है यस सो वेदर यू आर अ कंपनी इनकॉरपोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट विल नॉट मेक अ डिफरेंस आपको कंपनीज एक्ट दो एप्लीकेबल रहेगा कंपनीज को तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है ही बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब एक्ट ये भी कहती है कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग कंपनीज क्या आपने एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में सुना है एक्सिस बैंक लिमिटेड इट इज अ बैंक but now it is also a company. so basically it is a company which is doing the business of banking. a bank, the banking regulation act to follow karegi. but because it is doing the business of a bank as a company, it is also going to follow the companies act. where say max insurance limited. so now max insurance limited. it's a public limited company. it is going to follow the insurance act. बट बिकॉज इट इज डूंग इंश्योरेंस बिजनेस एज अ कंपनी इट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड एंड थर्टीन साथ साथ में इवन दो कंपनीज विच आर इंटू द जेनरेशन और द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर इंटू द जेनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ हाईलाइट हो जाता है Obviously, they are going to follow the Electricity Act 2003, but because they are doing the business in the form of a company, they are also going to follow the Companies Act 2013. But Dekho, let me tell you one thing. There is a small catch in this Kabhi aisa ho jata hai Say, for example, Axis Bank Limited. It is a company, and plus, it is doing banking operations. बिकॉज ऑफ विच इट हैज टू फॉलो द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कभी कभार ऐसा हो जाता है दोनों एक्ट में कुछ इनकंसिस्टेंट चीजें है इनकंसिस्टेंट मतलब समथिंग दैट इज नॉट मैचिंग विध इच अदर समथिंग दैट इज नॉट मैचिंग विथ ईच अदर आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल से इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ओके कंपनीज एक्ट कहती है कंपनीज एक्ट कहती है एवरी ईयर एवरी ईयर यू शुड बी हैविंग फोर बोर्ड मीटिंग्स तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है ना उनको कहते हैं बोर्ड मीटिंग्स से जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस कंपनीज एक्ट कहती है हर साल में हर साल साल मतलब बारह महीने में आपको कम से कम चार बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करनी ही चाहिए कम से कम चार आप दस करो क्या बात है बट कम से कम चार हो सकता है हो सकता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ना वो कह रही है हर साल हर बारह महीने में आपको कम से कम छह बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करनी होगी ओके दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यूर द कॉन्सेप्ट क्लियर इन योर माइंड तो अब देखो कंपनीज एक्ट कह रही है चार बोर्ड मीटिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कह रही है छह बोर्ड मीटिंग अब प्रॉब्लम तो हो गया एक्सिस बैंक लिमिटेड को क्योंकि वो बैंकिंग बिजनेस कर रही है एंड इट इज डूंग इट एज ए कंपनी तो ये एक्ट फॉलो करे या वो एक्ट फॉलो करे तो क्योंकि यहां पर क्या हुआ है दोनों चीजें सेम नहीं है इनकन्सिस्टेंट है मतलब दर क्लैशिंग इच अदर सेम ग्राउंड पे नहीं है तो अब ऐसे केस में जहां तक कुछ चीजें क्लैश नहीं होती है जहां तक कुछ चीजें क्लैश नहीं होती है आप कंपनीज एक्ट की भी सारी चीजें फॉलो करोगे प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की भी फॉलो करोगे जो चीजें कहीं पे भी क्लैश हो रही है जैसे इस एग्जाम्पल में यू विल फॉलो द प्रोविजन दैट आर मोर स्ट्रिक्टर यू विल फॉलो द प्रोविजन दैट आर मोर स्ट्रिक्टर आप मुझे बताइए यहां पे कौन सी प्रोविजन ज्यादा स्ट्रिक्टर है कंपनीज एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मतलब एक्सिस बैंक लिमिटेड को मुझे बताओ अगर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है तो वो कितनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगी साल भर में

एज कंपेर टू द कंपनी देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्पेश बनाई गई है कीपिंग इन माइंड ये और बैंकर्स क्या करते हैं लोगों का पैसा लेते हैं और लोगों को पैसा देते हैं और जहां पर पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है क्या गवर्नमेंट कोई भी रिस्क उठाने की कोशिश करेगा नहीं सो ऑब्वियसली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज गोइंग टू बी मच मोर स्ट्रिक्टर इसलिए अगर से आपका सेविंग अकाउंट भी होगा ना बैंक में हर एक रुपया क्या पैसे का भी हिसाब बैंक रखती है तो अगर छह महीने में आपको इंटरेस्ट मिला है आपको इंटरेस्ट मिलेगा पचास रुपए साठ पैसे ऐसा भी नहीं होगा वो साठ पैसे उड़ाए जाएंगे इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है ऑन बैंकिंग कंपनीज सो यूजुअली इट इज गोइंग टू बी दैट स्पेशल एक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रिक्टर 99 में 1 हो सकता है कि कंपनीज एक्ट ज्यादा स्ट्रिक्टर है तो फिर आप कंपनीज एक्ट फॉलो करो ऑटोमेटिकली वो दूसरी एक्ट तो फॉलो हो ही जाएगी वैसे ही इंश्योरेंस के लिए भी और वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए भी बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नॉट बिलीव बच्चों को ऐसा लगता है इवन माई इंटर स्टूडेंट सम इंटर स्टूडेंट्स डोंट नो दैट कंपनीज एक्ट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू कंपनीज लोगों को लगता है कंपनीज एक्ट है मतलब सिर्फ कंपनीज को एप्लीकेबल है रिमूव दिस पर्टिकुलर मिथ फ्रॉम योर माइंड टूडे एम गोन टू ब्रेक इट फ्रॉम योर हेड कंपनीज एट ऑब्वियसली इज एप्लीकेबल टू कंपनीज बट अलॉन्ग विथ कंपनीज अब देखिए इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू आप अगर आगे देखते हो सच बॉडी कॉरपोरेट्स सब कुछ हाईलाइट हो जाता है इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल इवन टू सच बॉडी कॉरपोरेट्स विच आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू अदर कंपनीज विच आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट एक एक करके ये दोनों को हम देखते हैं पहले तो ये वाली बात कंपनीज के बारे में ही बताई गई है कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू कंपनीज विच आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट ओके व्हाट आर कंपनीज विच आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट देखो बहुत बार ऐसा होता है एंटिटीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट पास फॉर देम अंडर द पार्लियामेंट आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारी बैंक्स है आपने देखा होगा आपके आजू बाजू आईसीआईसीआई बैंक एच डी एफ सी बैंक एक्सिस बैंक बट सभी बैंक की बात इज आर एसबीआई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एस बी आई बनाने के लिए पहले हमने यस एसबीआई एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव पार्लियामेंट में पास करवाया और यह एक्ट पार्लियामेंट में पास होने के बाद वंस दिस एक्ट वॉज पास अंडर द पार्लियामेंट After that, under this act, we made the SBI bank. So, what is SBI? SBI is a company incorporated under a special act. It was not incorporated under the Banking Regulation Act, it was incorporated under an act which was specially passed for it under the parliament. I will give you one more example. Usually insurance companies are incorporated under the Insurance Act. Okay. But now you have heard everyone, I think literally everyone has heard about LIC. Life Insurance Corporation. It is an insurance company. But LIC was not incorporated under the Insurance Act. LIC BAN ME KELIESTER HAMNE Parliament mein LIC Act 1956. Banaya. पहले हमने क्या किया एल आई सी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स बनवाया एंड देन वंस दिस एल आईसी एक्ट वॉज मेड आफ्टर दिस वी इनकॉर्पोरेटेड एल आई सी अंडर द एल आई सी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स सो बेसिकली नाउ वी आर कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एस बी आई कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एल आईसी because these are those category of companies which are incorporated by special acts. companies to chodo, akri point hai, companies act is also applicable to body corporates. it is also applicable to what? come on, tell me. body corporates. which are notified by the central गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना यह पावर इस्तेमाल किया है और दो बॉडी कॉर्पोरेट्स को नोटिफाई भी किया है एक है द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द नेक्स्ट वन इज नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिख लो पूरा फुल फॉर्म लिख लो आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको कहते हैं एफ सी आई उसको क्या कहते हैं एफ सी आई और दूसरा एग्जाम्पल दीजिए नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ये देखो Food Corporation of India is a statutory corporation. We have seen it is a body corporation, okay? Created and run by the government of India, it comes under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and the government of India formed by the enactment of Food Corporation Act, 1964, by the Parliament of India. Okay, so basically, it is not even a company, but still.

आग बंद करके बोल दो बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से नोटिफाइड है देन अलोंग विथ कंपनीज इवन दो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू फॉलो द कंपनीज एक्ट 2013. थाउजेंड एंड थर्टीन गवर्नमेंट ने अपने ये पावर का इस्तेमाल कर लिया है गवर्नमेंट के पास ये जो पावर था ना सच बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट तो अगर आप देखोगे FCI is incorporated under the Food Corporation Act 1964. हाँ या ना? And as the central government may by notification specify in this behalf. So central government ने अपने ये power का इस्तेमाल कर लिया है और दो body corporates को notify किया है जिनको Companies Act applicable होएगी. कौन से category है ये दो? FCI एंड एन एच ए आई इन दोनों भी बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा गेटिंग दिस आर नो माई डियर फ्रेंड्स यस चलो सो दिस वॉज अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट ओके so section 1 is a very easy section which is talking about the applicability of the act it is applicable to every company incorporated under this act or under any previous companies act sath is it is applicable to insurance companies banking companies and companies which are into the generation of electricity it is also applicable to companies which are formed under special acts and it is also applicable to body corporates as notified by the central government. Government ne apne power and or those body corporates ko notify the Food Corporation of India and National Highway Authority of India. Okay? Yes. So what is a company? Dehko, a company means a company which is incorporated under this act or under any previous company. लो है ना बट इससे हमें यह नहीं समझ में आता है कि कंपनी क्या होती है इसलिए कल हमने क्या देखे थे कंपनी के फीचर्स तो अब हमें पता है ऐसी कोई भी एंटिटी जिसका होता है हो सकता है कॉमन सील जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी है लिमिटेड जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसका होता है परपेचुअल सक्सेशन और जो होती है सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स ऐसी एंटिटी को हम कहेंगे एज अ कंपनी अब यही जो कंपनी है यही जो कंपनी है इस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के है बहुत सारे टाइप्स और इन्हीं टाइप्स को अब हम लोग देखना शुरू करने वाले हैं सो लेट अस बिगिन विथ द नेक्स्ट प्रोविजन ओके आई विल नॉट यूज द ग्रीन मार्कर पेन बिकॉज कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मार्कर पेन ग्रीन यूज करने से हमें दिखाई नहीं दे रहा है फाइन आई विल नॉट यूज इट करेंटली आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ ऑल टू कम टू पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन क्लासेज ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट इनफैक्ट वन सेवेंटी एट पे यू कैन सी दैट देर इज अ बिग चार्ट है ना और इसी के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं ठीक है येस yes, बेटा फाइनली मैंने देख लिया आपके मैसेजेस आई एम नॉट गोइंग टू यूज माई ग्रीन मार्कर पेन डोंट वरी आई गॉट योर मैसेज टाइप्स ऑफ कंपनीज एक ही मिनट हाँ ठीक है एक चार्ट था जहां पे मैंने सारी कंपनीज के टाइप को लिखा हुआ था आई एम जस्ट फाइंडिंग दैट चार्ट टाइप्स ऑफ ठीक है चलो कोई बात नहीं ओके okay. काजल क्या हुआ आपको बेटा काजल का क्या मैसेज है बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग मैं बाद में समझाऊंगी बाद में आपको डेफिनेशंस में है सो यू हैव टू वेट फॉर इट चलो

वही मुझे याद ही नहीं आ रहा था वो किधर है 40? ये चार्ट आपकी चार्ट बुक में भी है बट मैं चाहूंगी आप लोग सब क्या करो आपके नोटबुक में इस चार्ट को बनाओ बिकॉज जितनी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी उतना ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज यू ऑल नो आर पेपर ऑफ लॉ इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर आप लोग क्या करने वाले हो आई एम अज्यूमिंग दैट एवरी वन ऑफ यूल हैव योर ओन सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ तो आप लोग क्या करने वाले हो आपके नोटबुक में आने वाले हो तो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नोटबुक ओके वॉट आर यू गोइंग टू डू इज यू ऑल आर गोइंग टू कम टू अज फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर तो से फॉर एग्जाम्पल यहां तक अगर आपने कुछ लिखा है मैं थोड़ी सी इस साइड आ जाती हूं यहां तक अगर आपने लिखा है यू हैव टू लीव दिस पेज ओके कुछ पैसों के लिए अपने हजारों मत गवाओ और आपको क्या करना है ये फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर पे आपको आना है ओके आई वॉन्ट अ डबल शीट ऑफ पेपर एंड आई वॉन्ट ऑल टू राइट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज हेडिंग बीच में आपको देना है टाइप्स ऑफ कंपनीज आई एम नॉट गोइंग टू जूम द चार्ट बिकॉज दिस चार्ट इज देयर इन योर चार्ट बुक एंड अलोंग विथ दैट आई एम गोइंग टू मेक योर ड्रॉ दिस चार्ट सो इसीलिए जूम करके आप लोग स्क्रीन शॉट लेके शॉर्टकट करोगे ये मैं नहीं चाहती हूं इज्जत में लिखो जो नहीं लिखेगा उसको दो अटेम लगेगा ओके बेटा दिस चार्ट इज ऑन क्या पेज नंबर बताया आपने फोर्टी एट ऑफ माई चार्ट बुक ओके चार्ट नंबर फाइव पॉइंट थ्री बट प्लीज डू नॉट डू नॉट डू नॉट टेक द स्क्रीन शॉट राइट इट डाउन वॉट यू आर सपोज टू राइट सॉन्ग नहीं प्ले करना है बेटा सुनो आप मेरी बात क्या लिखना है कुछ नहीं पूरा चार्ट आज नहीं कंप्लीट करना है इसको चार दिन लगने वाले डिटेल में पढ़ने के लिए दिस इज हाफ ऑफ कंपनीज एक्ट सुनो मेरी बात आप सिर्फ हेडिंग देने वाले हो टाइप ऑफ कंपनीज बस उतना ही और कुछ नहीं लिखना है अभी तो मेरे को शुरुआत करनी है फिर आप लिखने वाले हो ना यू ऑल नो फर्स्ट द कॉन्सेप्ट एंड देन द राइटिंग पार्ट सो देखो उस चार्ट में आपको नजर आ रहा होगा अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी देखो नजर आ रहा है क्या ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी इनटू लिमिटेड बाय लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी ओके ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कंपनीज आर डिवाइडेड इंटू प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी OPC is a kind of a private company only. Okay. On the basis of control, companies are divided into holding company, subsidiary company, and associate company. And then there are certain other random categories: government company, foreign company, not for profit organization, dormant company, and nidi companies. going karne wala hai pehla classification, and that is. कंपनीज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मुझे वापस से आप लोग बताओ कल हमने किया था आज हमने रिवाइज भी किया है लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है वेरी गुड इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड यस yes, बेटा यू कैन लर्न इट फ्रॉम द आईसीआई मटेरियल बट लेट मी टेल यू वन थिंग जो बुक्स मैंने बनाई है इट इज अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट मोड्यूल ओनली सो इवन इफ यू आर रिफरिंग माई बुक इट इज कम्पलीटली ओके आपको दूसरे रेफरेंस मटीरियल को रिफर करने की जरूरत नहीं है नॉट इवन द स्टडी मटीरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट बिकॉज एवरी थिंग दैट आई हैव मेड ये जो बुक्स है बेसिकली ये बुक्स इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल ओनली सिर्फ मैंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है क्वेश्चंस को एक साथ चैप्टर वाइज कंबाइन किया है एंड दिस चार्ट बुक आई हैव मेड ऑन माय ओन है ना सो यू नीड नॉट रिफर एनी अदर मटीरियल अपार्ट फ्रॉम माई बुक्स है ना तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय यस गारंटी एंड एंड अनलिमिटेड कंपनी दो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट द बुक्स येट यू कैन रिफर द इंस्टीट्यूट मटीरियल इंस्टीट्यूट का मटीरियल भी नहीं है तो आईसीए आई डॉट ओ आर जी पे जा सकते हो और वहां के सॉफ्ट मटीरियल को आप रिफर कर सकते हो है ना चलो सो so, देखो मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है बट अब इनकी जो लाइबिलिटी होती है ये कितने हद तक लिमिटेड होती है दिस इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द कंपनी यू आर पहली कैटेगरी अगर आप स्क्रीन पे देखोगे इट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये जो कंपनी होती है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इन मेंबर्स की लाइबिलिटी देखो मैं बार बार अभी नहीं कहने वाली मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है नाउ इट इज फिक्स्ड इन योर माइंड दैट इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स तो अब मैं सिर्फ कहने वाली हूं यहां पे लाइबिलिटी इज लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब किसकी मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल यहां पर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है ज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल जो भी आपके शेयर पे अनपेड अमाउंट है उतने ही हद तक आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है एंड इफ योर शेयर पेड ऑफ शेयर देन योर लाइबिलिटी हैज एक्सटिंग उसके बाद एक रुपया भी आपके कंपनी आपसे नहीं मांग सकती है सो बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच व टू पे इज द अनपेड अमाउंट ऑन योर शेयर इसके ऊपर मैंने कल ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दिया था तीन चार एग्जाम्पल मैंने दिए थे जैसे कि फर्स्ट केस में फेस वैल्यू वॉज रूपीज टेन एंड द अमाउंट दैट यू हैड पेड वॉज रूपीज सिक्स सो आपकी लाइबिलिटी इज लिमिटेड ओनली अप टू रूपीज फोर केस नंबर टू में आपकी लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो चुकी है द कंपनी कैन नॉट कॉल इवन फॉर अ सिंगल रूपी फ्रॉम यू केस नंबर थ्री में आपकी लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है फाइव रूपीज फाइव एंड केस नंबर फोर में ये चार रुपए पांच रुपए सात रुपये यह कंपनी कब बुला सकती है यह कंपनी कब बुला सकती है दिस द कंपनी कैन कॉल ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्योरिंग द कंपनीज वाइंडिंग अप दिस द कंपनी कैन कॉल इधर ड्योरिंग द लाइफ टाइम और ड्योरिंग द वाइंडिंगअप तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आज कंपनी को कोई नया फैक्ट्री इन आ, नया फैक्ट्री खोलना है तब ऐसे केस में इट विल नॉट गो फॉर अ लोन और इट विल नॉट इश्यू डिवेंचर्स उसको ये पता है कि हर एक मेंबर से मैं चार चार रुपए बुला सकता हूं से कंपनी के दस हजार मेंबर्स है पब्लिक कंपनी के तो लाखों क्या करोड़ों में, में मेंबर्स हो सकते हैं हर मेंबर से अगर मैंने चार चार रुपए भी मंगवा लिए चार करोड़ रुपए तो ऐसे ही जमा कर लिए मोर देन सफिशियंट टू बिल्ड अ फैक्ट्री गेटिंग दिस और नो सो नाव कंपनी को लग रहा है इट वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस आज कंपनी एक ही बिजनेस में है उसको और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं डाइवर्सिफाई करना है या कंपनी को जैसे कि डीमार्ट है इनिशियली डीमार्ट one वन ब्रांच फोर ब्रांचेस branches, ब्रांचेस four branches. Ten branches, 84 branches. हाँ है ना और बहुत सारे ब्रांचेस इंडिया भर में खोलने हैं इन सारे ब्रांचेस को खोलने के लिए क्या लगेगा और बहुत ज्यादा पैसा तो अब ऐसे केस में कंपनी को क्या करना है बहुत सारे ब्रांचेस खोलने अपने स्टोर्स के तो वो क्या करेगी इट विल कॉल फॉर दिस रूपीज फोर फ्रॉम इट्स मेंबर्स लाइफ टाइम में जब कभी भी कंपनी को लग रहा है कि आज जरूरत महसूस हो रही है फैक्ट्री खोलनी है ब्रांचेस खोलने हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना है रिसर्च में पैसा डालना है वॉट इट कैन डू इज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इट कैन कॉल फॉर दिस रूपीज फोर एक्सट्रीम केस में एक्सट्रीम केस में द कंपनी मे ऑल्सो मे ऑल्सो ओके कॉल फॉर दिस Unpaid share capital during its winding up. Okay, वो तो वैसे तो लेट मी टेल यू अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है एंड इट इज नॉट insolvent, नॉट insolvent मतलब क्या assets ज्यादा है, liabilities कम है तो obviously कंपनी ये पैसा बुलाएगी नहीं क्योंकि अगर कंपनी बुलाएगी up में वापस शेयर होल्डर्स को ही देना है तो बुलाना ही क्यों है अगर उनको वापस देना है, है ना बट कब बुला सकते है सपोज अ कंपनी इज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट और एसेट्स एग्जिस्टिंग एसेट्स कम है लाइबिलिटीज को रिपे करने के लिए देन इट विल कॉल फॉर दिस रूपीज फोर फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड इट विल पे इट टू द क्रेडिटर्स अब आप बोलोगे मैम डूबती हुई नैया में ये चार रुपए मेंबर्स क्यों पैसा डालेंगे कोई सोच सकता है ना शेयर होल्डर के प्रस्पेक्टिव से समझो क्योंकि ये चार रुपए इज अ लॉस्ट फोर रूपीज कंपनी तो इन्सॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है नाउ इट इज बीन वाउंड अप तो समझने की कोशिश करो दिस इज इज अ दैट कास्ट ऑन यू जिंदगी भर जब तक आप कंपनी के शेयर होल्डर्स थे आप मजे करते रहे डिविडेंड आ रहा है ले लो वोटिंग का राइट मिल रहा है वोटिंग कर लो राइट शेयर ले लो बोनस शेयर ले लो आज जब आपकी जिम्मेदारी का समय आता है आप आपके कदम पीछे नहीं रख सकते हो देखो आप कौन हो आप कंपनी के मालिक हो मालिक पहले दूसरों के बारे में सोचेगा फिर अपने बारे में सोचेगा एंड अदरवाइज भी अगर आपको ऐसा नहीं भी सोचना है लीगली यू आर बाउंड टू पे दिस अमाउंट वंस द कंपनी मेक्स अ कॉल ऑन द शेयर इट बिकम्स अ डेट ड्यू टू द कंपनी तो से आप लोग शेयर होल्डर्स हो और मैं कंपनी की डायरेक्टर हूं मैंने ये चार रुपए आप लोगों से मांगे हैं ओके okay, आप लोगों ने दिया इसने नहीं दिया आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम एंड रिकवर दिस फोर रूपीज के इट बिकम्स अ डेट ड्यू टूअर्ड द कंपनी यू आर लीगली रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट ऑफ द कॉल मेड बाय दंपनी वि रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम यू एंड पे इट टू द्रेडिटर्स दिस हा दिस ऑब्वियसली डिमांड ओनली इफ द कंपनी एसिड्स आर फॉलोइंग शॉर्ट इफ द एसिड्स आर सफिशियंट कभी कबारा भी किसी के मन में सवाल आ सकता है मैम अगर एसिड सफिशियंट है तो कंपनी वाइंड अप क्यों हो रही है हो सकता है ना अच्छा बिजनेस चल रहा है तो वाइंड अप क्यों हो रही है से आई वॉज इंटू द मैन्युफैक्चर ऑफ टबैको महाराष्ट्र में और गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया कि टबैको में डील करना इज नाउ फॉरबिडन इन महाराष्ट्र आई विल हैव टू क्लोज माई फैक्ट्री उसका प्लांट तो यहां पे ही था कोल्हापुर में इट इज इन महाराष्ट्र नाउ आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू शट डाउन माई फैक्ट्री नाउ आई एम वाइंडिंग अप माई बिजनेस मेरी एसिड सरप्लस है डोंट कॉल दिस फोर रूपीज लाइबिलिटीज रीपे कर दो जो भी सरप्लस है मेम्बर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बट ये एक्सट्रीम केस में डिस्कस करू बिकॉज यू शुड नो ऑल पॉसिबिलिटीज है ना सो दिस अमाउट द कंपनी कैन कॉल इधर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और समटाइम्स इवन ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप इफ द शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर देन वॉट विल हैपन liability of the members is extinguished. Nothing can be called from these members. और पैसे चाहिए और shares issue करो debentures issue करो bank के पास जाओ financial institution के पास जाओ कितने सारे options हैं But ये members से आप एक भी रुपया ज्यादा नहीं demand कर सकते Next, sometimes a company can also be a guarantee company. गारंटी कंपनी के केस में क्या होता है मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर्स एंड दिस गारंटीड अमाउंट इज रिटेन इन द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या लिखा है मैंने बोला तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर एक कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वॉट इज एम ओ ए वॉट इज एओ ए सब कुछ सिखाया जाने वाला है फाउंडेशन लेवल पे ही बेसिकली मेमोरेंडम में लिखते हो आपको क्या करना है और आप कैसे बिजनेस करोगे इज रिटन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो इसी मेमोरेंडम में एक क्लॉज होता है जिसको हम कहते हैं लाइबिलिटी क्लॉज आपका ये आ, इलेवेंथ ट्वेल्थ में हुआ है क्या कॉमर्स में कि नहीं ओके okay. नहींओए के बारे में कुछ सुना है आपने एमओ ए के बारे में थोड़ा सा सुना है ना ओके मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कंपनी का नाम और काम कंपनी का नाम क्या है कंपनी क्या करने वाली है मेंबर की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है तो से फॉर एग्जांपल हमारे मेमोरेंडम में लिखा है द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू रूपीज फाइव हंड्रेड ओके फाइव हंड्रेड ऐसा मैंने लिखा है अगर मैं ये कंपनी की मेंबर हूं मेरी लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है फाइव हंड्रेड ओके सो दिस इज बेसिकली एन अमाउंट दैट आई हैव गारंटीड इट कुड बी फाइव हंड्रेड इट कुड बी फिफ्टी इट कुड बी फाइव थाउजेंड ऑल्सो दिस विल डिफर फ्रॉम केस टू केस बट अगर पांच सौ लिखा हुआ है पांच सौ रुपया एक मुझसे नहीं डिमांड किया जा सकता है मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है अपटू रूपीज फाइव हंड्रेड टू रुपीज But this amount, this guaranteed amount can be called only during the winding up. Okay. This amount can be called only during the winding अप इट cannot बी कॉल्ड during द lifetime कहाँ पे लिखा होता है ये गारंटीड अमाउंट बोलोगे आप लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेमोरेंडम के कौन से क्लॉज में लाइबिलिटी क्लॉज में और जितना अमाउंट गारंटी किया है से एग्जांपल, इट इज रूपीज फाइव हंड्रेड द कंपनी कैन ओनली डिमांड रुपीज फाइव हंड्रेड दैट टू ओनली ड्योरिंग द वाइंडिंग अप इफ रिक्वायर्ड इफ नॉट रिक्वायर्ड इट विल नॉट कॉलमी ओके तो अब आप बोलोगे मैम ये कंपनी फिर बिजनेस कैसे रन करती है अगर इनका शेयर कैपिटल नहीं है तो बेसिकली ये कंपनी जैसे क्लब होते हैं क्लब्स उनके मेंबरशिप फीस होते हैं सब्सक्रिप्शन फीस तो ये फीस से सब्सक्रिप्शन फीस से आप क्या करते हो आप पैसा लेते हो और फिर आप बिजनेस रन करते हो मोस्टली मोस्ट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आर गारंटी कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क होती है थ्रू डोनेशन ओके वो डोनेशन लेते हैं और जरूरतमंद को अपने पर्पज के लिए डोनेट करते हैं तो उनको वै, वैसे भी वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं लगता है बिकॉज पीपल वर्किंग ओवर देर आर वर्किंग फॉर चैरिटी अगर मैं काम कर रही हूँ आई एम वर्किंग नॉट बिकॉज आई विल गेट सम सैलरी आई एम वर्किंग बिकॉज आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी तो उनको सिर्फ मदद करने के लिए मदद चाहिए तो वो किसी से पैसा लेते हैं और किसी को पैसा देते हैं तो वो कंपनीज जो होती है यूजली आर गारंटी कंपनीज गेटिंग दिस नो माई फ्रेंड्स सो देखो यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट अप टू द एक्सटेंट ऑफ वॉट टेल मी गाइज गारंटीड अमाउंट पहले वाले केस में इट वॉज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल ओके, ओके and the last type of company is an unlimited company. what is an unlimited company? देखो नाम में ही लिखा है unlimited company. 430. unlimited अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या होता है अनलिमिटेड कंपनी के केस में जिसे नाम सजेस्ट करता है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज

से अगर पार्टनरशिप है आप लोगों की आज और एक नया ब्रांड सेटअप करना है तो पैसा डाला एक्सपांड करना है और पैसा डाला रिसर्च करना है और पैसा डाला डायवर्सिफाई करना है और पैसा डाला ऑफिस uh, खरीदना है और पैसा डाला ये कब होता है पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड कंपनी के केस में अग्रीड मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बट इन वॉट सेंस लेट मी टेल यू दिस लाइबिलिटी अराइजेज

ऐसा नहीं कर सकती कंपनी कर सकती है क्या यह कंपनी नहीं कल जाके कंपनी को फैक्ट्री खोलनी है पैसा चाहिए मेंबर से पैसा आज मांग लिया क्या कंपनी ऐसा कर सकती है जब चाहो जितना चाहो मेंबर्स से पैसा मांगना क्या इस कैटेगरी के, के केस में कंपनी मंगवा सकती है नहीं तो अनलिमिटेड किस सेंस में लेट मी टेल यू वाइंडिंग अप में इफ द एसेट्स आर फॉलोइंग शॉर्ट टू रिपे द लाइबिलिटी एसेट्स या तो मैं ऐसे लिखती हूं एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रिपे द लाइबिलिटीज मतलब लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रिपे द लाइबिलिटीज मतलब देर इज अ शॉर्टफॉल जितना शॉर्टफॉल है उतना शॉर्टफॉल आप मेंबर्स से रिकवर कर सकते हो जितना शॉर्टफॉल है उतना शॉर्टफॉल आप मेंबर्स से रिकवर कर सकते हो अब यह शॉर्टफॉल की हद एक्ट में डिफाइंड नहीं है समझ में आ रही है बात यह शॉर्टफॉल की हद एक्ट में डिफाइंड नहीं है तो हो सकता है शॉर्टफॉल एक लाख रुपए का है सिर आर वन थाउजेंड मेंबर्स हो सकता है शॉर्टफॉल दस लाख रुपए का है विच विल बी डिवाइडेड अमांग वन थाउजेंड मेंबर्स हो सकता है शॉर्टफॉल एक करोड़ रुपए का है विच विल बी डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड मेंबर्स सो बेसिकली नाउ इफ इट इज वन लाख रुपीज रुपीज हंड्रेड कैन बी कॉल्ड टेन लाख रुपीज वन थाउजेंड रूपीज कैन बी कॉल्ड वन करोड़ सो टेन थाउजेंड रुपीज ये हद कितनी भी हो सकती है एंड दैट इज वाई वी से दैट द लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड जितना शॉर्टफॉल हो रहा है उतना आप सारे मेंबर्स से रिकवर कर सकते हो शॉर्टफॉल कितना होगा दिस वी कैनॉट सेव एन द कंपनी इज बीन इनकॉर्पोरेटेड अब आप बोलोगे मैम यह सेम चीज यहां पर भी तो हो रही है नहीं बेटा यहां पर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी समय पर हमने लिख दिया है फाइव हंड्रेड रुपीज इज द गारंटीड अमाउंट सो अगर शॉर्टफॉल दस लाख रुपए का भी हो रहा है या एक करोड़ का भी हो रहा है गारंटी कंपनी के केस में वी विल ओनली कॉल फॉर रुपीज फाइव हंड्रेड यहां पर ऐसी चीज नहीं है यहां पे इट कुड बी वन थाउजेंड ऑल्सो इट कुड बी टेन थाउजेंड ऑल्सो इट कुड बी रूपीज हंड्रेड ऑल्सो इट कुडी रुपीज टेन ऑल्सो वी डू नॉट नो एंड वी कैन नॉट से वेन द कंपनी इन गॉट इन कॉरपोरेटेड कंपनी कब वाइंड अप होगी और वाइंड अप होते वक्त शॉर्टफॉल ही होएगा और शॉर्टफॉल इतने रुपए का ही होगा और इतने मेंबर्स से हमको रिकवर करना पड़ेगा कितना भी शॉर्टफॉल हो सकता है और ये पूरा शॉर्टफॉल वी आर अलाउड टू रिकवर फ्रॉम द मेंबर्स दैट इज वाई वी से दैट दिस कंपनी इज एन अनलिमिटेड कंपनी बट रियल सेंस में एकदम डीप अगर आप देखोगे तो वैसे सेंस में वो अनलिमिटेड नहीं है क्योंकि लाइफ टाइम में कंपनी को अगर जरूरत पड़ रही है वी आर नॉट अलाउड टू इवन आस्क फॉर अ सिंगल रूपी वैसे सेंस में पार्टनरशिप के केस में मेम्बर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बिकॉज अगर बिजनेस में पैसा चाहिए इट इज ओनली मेंबर्स। बिकॉज पार्टनर्स ही ओनर होते हैं और पार्टनर्स ही मैनेजर होते हैं वही फॉर्म होता है और फॉर्म मतलब ही पार्टनर्स होते हैं बट कंपनी केस में ऐसा नहीं होता है कंपनी अलग होती है और मेंबर्स अलग होते हैं यस, बिकॉज देर इज नो लिमिट टू दिस शॉर्ट दैट इज वाई वी से मेम्बर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बिकॉज देर इज नो लिमिट डिफाइंड बिकॉज देर इज नो Limit defined. First or second case, mein, limit is defined. Face value, rupees 10. I know my limit is rupees 10. Second case, mein, I know my limit is rupees 500. But third case, mein, there is no limit defined. And that is why the name comes to unlimited company. Getting this or no, my dear friends? Yes. So, virtual students, what do you Stop chatting here. इतने चैटिंग करते हो आप लोग कितने थकते नहीं हो क्या चैटिंग कर करके मतलब मुझे लगता है पांच छह हजार मैसेजेस आ चुके होंगे पूरे एक डेढ़ घंटे में सो आई ऑल ऑल देयर वर्चुअल स्टूडेंट्स तो चलो जो भी आज मैंने किया उसे रिवाइज और फिर मैं आप लोगों की छुट्टी करवा देती हूं लिमिटेड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स कैन यू ऑल टेल मी द्री टाइप्स लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी वापिस से बोलो तो लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है लाइबिलिटीटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल ये क्या लाइफ टाइम में बुलाया जा सकता है ये क्या वाइंडिंग अप के वक्त भी बुलाया जा सकता अगर गारंटी कंपनी है क्या यहां पे भी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही है लिमिटेड अप टू एन एक्सटेंट एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सो इट इज डिफाइंड वी नो द हद वी नो द लिमिट बट अनलिमिटेड कंपनी में दट हद इज नॉट डिफाइंड ओके वी विल कॉल whatever the assets are falling short to repay the liabilities. getting this or no, my dear friends, yes or no, i'll just read it and then i'll call it an off for today. okay. so a company limited by shares. when the liability of the members of a company is limited, to the amount of unpaid amount on the shares then it is a company limited by shares okay this amount may be called to contribute to the extent of the amount which remains unpaid on the share holding and this amount can be called either during the lifetime or during the winding up okay अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट एज इट इज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप अच्छा एक बात बताओ मुझे सपोज अगर मैं आपको पूछती हूं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या आप डिफ्रेंसिएशन बता पाओगे डिफरेंसिएशन बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कैन यू ऑल टेलमी द डिफरेंसिएशन बोलो वेरी गुड सबसे पहला डिफरेंस बहुत ऑब्वियस डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन यहां पर मेबर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड अपटू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल यहां पर अपटू द गारंटीड अमाउंट और दूसरा डिफरेंसिएशन स यू कैन कॉल दिस अमाउंट इधर ड्योरिंग द लाइफ टाइम और ड्योरिंग द वाइंडिंगअप बट इस केस में ओनली ड्योरिंग द वाइंडिंगअप हा या ना येस और नो येस बट यूजली इंस्टीट्यूट ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है इंस्टीट्यूट पूछता है वॉट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू सिमिलैरिटीज तो अगर मैं सिमिलैरिटीज के बारे में देखू हाँ बोथ द केसेस में मेम्बर के पास हम लाइबिलिटी बुलवा सकते हैं ड्योरिंग द वाइंडिंग अप एंड बोध द केसेज में लाइबिलिटी इज लिमिटेड इट इज डिफाइंड विच इज नॉट इन केस नंबर थ्री सो दिस इज अरिटी इन फर्स्ट एंड सेकंड हमें यह पता है इट इज लिमिटेड इस हद तक लिमिटेड या उस हद तक लिमिटेड बट इट इज लिमिटेड एंड बोध द केसेज में अमाउंट कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप यह मैं लिखवाऊंगी मे बी टूमोरो आई विल मेक यूल राइट डाउन दिस पॉइंट ओके क्या हुआ हर्षद सर चैट चैटिंग कर रहे हैं क्या ओके okay. हेलो हर्षद हाव आर यू आई डोंट नो वेदर online ऑनलाइन ऑनो फेक हर्षद सर है या रियल हर्षद सर है, हर्षद. है ना ऐसा लग रहा है मुझे भी बच्चों को कितना टाइम है यार ये सब करने के लिए अनलिमिटेड कंपनी व्हाट इज एन अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी में सो इट इज अ कंपनी वेर इन देर इज नो लिमिट दैट इज डिफाइंड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स सो इट इज नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ओके एंड दिस अमाउंट ऑल्सो कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप और कितना अमाउंट ओनली द अमाउंट वेर इन द एसेट्स आर फॉलोइंग शॉर्ट टू रीपे द लाइबिलिटीज तो देखो द लाइबिलिटी ऑफ अरे पूरा हाईलाइट हो गया ये देखो यह यहां पे लिखा हुआ है द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटीज बट ही वुड बी एंटाइटल टू क्लेम द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर मेंबर्स तो उतना ही अमाउंट आप ले सकते हो जितना जरूरी है कंपनी के डेट और लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए उससे ज्यादा आप पैसा नहीं बुलवा सकते सो दीज आर द्री कैटेगरीज ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कौन से कौन से तीन टाइप से बोलो तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स विच थ्री टाइप्स लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी हाँ या ना मैं चाहूंगी आज ये कॉन्सेप्ट आप एक रीड कर लो घर पे जाके वापस है एंड यू ऑल नो यू ऑल ऑल्सो हैव वन मोर होमवर्क एंड दैट इज टूडे यू हैव टू लर्न एंड राइट डाउन द फीचर्स ऑफ अ कंपनी ओके सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच वॉट अबाउट टुमोरो यू ऑल हैव दी अदर क्लासेस कल सैटरडे है है क्या ओके सो अबाउट टुमोरो आई विल टेल अंकिता मैम शील बी अनाउंसिंग अबाउट माई क्लास इन हर क्लास ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर सी यू